आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इन पर। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि UPSI का पेपर नवंबर में, चलो मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है यानी फॉर्म भरने की डेट है वो सितंबर में है। अब कहो ये कैसे सर, कैसे बोल रहे हो? मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूँ, आपको आज की पेपर मैं दिखा रहा हूँ जिसमें सारी जो DG से बात हुई है सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, कब क्या प्रोसेस होना है, शारीरिक दक्षता जो है वो मार्च में होगी, सारी उसमें डेट मेंशन हो चुकी है। बिल्कुल भी ना घबराएं। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हम पर विश्वास किया है। मैं भगवान से कामना करता हूं कि वो सारे बच्चे जॉब पाएं, SI बने जल्दी से जल्दी। बाकी जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से कर लीजिए। किस चीज का वेट कर रहे हो भाई, फ्री में है, कर लो सब्सक्राइब जल्दी से। चलिए हम लोग अपनी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रही हम लोगों की न्यूज, पुलिस विभाग में 13,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती परीक्षा नवंबर में। ये न्यूज बिल्कुल सही है, ये आज ही के पेपर में राष्ट्रीय सहारा में दिया गया है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। इसमें जो काम की चीज है वो ये देखिए, जो हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं कि 6,130 पदों पर भर्ती होगी SI की, ठीक है, जिसका जो टेंडर की डेट है वो 17 अगस्त लास्ट डेट है। अब देखिए मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, आप देखिए बिल्कुल वही न्यूज है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि 6,130, देखिए 6,130 पदों, जो SI मिनिस्ट्रियल के 1,300 पदों के अलावा 5,805 जेल वार्डन, ये भी छोड़ो इसको कोई काम नहीं है। यहां पर हम बात करें, ये जो लाइन लिखी हुई ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष DG RK विश्वकर्मा ने बताया कि SI की 6,130 पदों पर भर्ती की परीक्षा कराने की कंपनी के चयन के लिए ओपन टेंडर जारी कर दिया गया है, ठीक है। यानी जो 17 अगस्त जो इसकी लास्ट डेट थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये हम आपको बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखिए, इंपॉर्टेंट ये न्यूज है आपके लिए, देखिए ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन सितंबर में ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा जिसमें 10 लाख से ज्यादा, ये SI की बात हो रही है जो 6,130 पद है, ऑनलाइन सितंबर में ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा जिसमें 10 लाख से ज्यादा आवेदन आने की उम्मीद है, और नवंबर और दिसंबर में परीक्षा के बाद जनवरी में कॉपियां स्कैन कराई जाएंगी, यानी कॉपी जांच शुरू हो जाएगा। नवंबर दिसंबर से क्या मतलब है कि पेपर नवंबर में शुरू होगा और दिसंबर में खत्म होगा, आपको भी पता है कि पेपर लंबा चलता है, ठीक है। वहीं मार्च तक शारीरिक दक्षता की परीक्षाएं संपन्न कर रिजल्ट जारी हो सकता है, यानी मार्च तक भर्ती कंप्लीट हो सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। तो अगर आपको भैया न्यूज अच्छी लगी हो और लगाओ कि सर एकदम ऑथेंटिक न्यूज दे रहे हैं, तो आप प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपको जॉब भगवान देगा, आप निष्पक्ष दूसरों का साथ दीजिए बस, और दूसरों को भी ये न्यूज जरूर पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास हम लोगों की GS की होने वाली है, तो अगर आप करना चाहते हो तो तुरंत जुड़ जाइए इस पर।